Wait. BT. नहीं है। पीछे नहीं है। ओए, गाइस। ओए, जा रहा है। ओए, इधर आओ। वो देखो हाथ हिला रहा है। मतलब आवाजें आ रही है किसी औरत की। इधर आओ। यार वो देखो। गाइस वो मेरा नाम है ओम और मेरे साथ जो चीज़ है लड़कियों की फेवरेट चीज़ है, बट ये एक हॉन्टेड है। कहीं सुना सही, एक हॉन्टेड है। इसके अंदर किसी की आत्मा है जिसने मुझे दिया। लोकेश करके भाई हैं, उन्होंने मेरे को दिया। वह कहता है उनकी बेटी का बर्थडे था, बट कोई इनको ये गिफ्ट में दे के गया था। उनका शक उनकी सगी चाची पे है, जो नहीं चाहती कि वो तरक्की करें एंड वो लाइक आगे दुनिया में कुछ आगे बढ़े। जो उनकी बेटी हुई थी, बेटी से वो बहुत चिढ़ती हैं, तो उन्होंने ये शायद गिफ्ट दिया था उनको। इतना याद क्योंकि उनको ना बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, तो ये गिफ्ट शायद उन्होंने दिया था। कहते कि उसके बाद ना इसको ना रातों इसमें मूवमेंट होती थी, रखते किसी जैसे एक दो बार हुआ कि किसी और रूम में रखा तो ये किसी और रूम से निकल गया। एंड फिर क्या हुआ, लाइक ना इसको ना जब बहुत हरकतें करने लग गया, अपने आप चलने लग गया, और इनकी बेटी बीमार पड़ने लग गई। उनकी बेटी भी जिद करने लगी कि इसको उससे इससे बातें करती थी एंड उनकी बेटी इसको दूर नहीं रखने दे रही थी। पता नहीं, वो उनको लग रहा था कि उनकी बेटी ना भाई इसमें पता नहीं गिर रहा है। ये सच में अभी इसमें मूवमेंट हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। क्या कोई है इसके अंदर जो उसको हिला के दिखा सकता है? क्या कोई है? ये देख तो सर ऐसे सच में कोई है। क्या कोई है जो अपने होने का एहसास करवा सकता है? शायद वो टुक्के से गिरा होगा, मतलब लाइक वो यहाँ पे ना खड़ा है तो उस वजह से गिरा होगा, वो आत्मा का वो सीन नहीं होगा। तो गाइस उनकी बेटी भी उससे बातें कर इससे बातें करती थी पूरे दिन, पूरी रात बातें करती थी। तो उसकी उनकी बेटी लाइक ना 5-6 साल की बेटी होगी, लाइक उसको बातें करती थी। तो मम्मी ने पूछा तो उससे बातें क्यों करती, कहती वो बोलता है। लाइक एक दिन ना उसकी मम्मी ने भी सुना ना कुछ आवाज़ें आ रही थी एंड बेटी उस इनसे इस शख्स से बातें कर रही थी। तो उनके ना वो जो लोकेश भाई हैं वो काफ़ी डर गए एंड उन्होंने क्या किया, इसको उठा के कहीं भैया ये तो मेरे को टुक्का नहीं लग रहा ना, ये ऐसा देखो इसको उठा के दूर कहीं फेंक दिया एंड ये वापस आ गया। तो फिर उन्होंने 2-3 बार ऐसे किया, ये वापस आ गया एंड फिर उनकी बेटी बहुत बीमार लगने लगी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को बुलाया एंड बोला कि यार प्लीज़ मेरी बेटी को समझाओ एंड आप लेके जाओ एंड बोलना कि आप वापस ला के इसको दोगे, प्लीज़ भाई इसको लेके मत आना, ऐसी जगह फेंक देना ताकि जहाँ से ये वापस ना आए। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम फेंक रहे हैं, क्या देखते हैं। उसके बाद ये हमें ये मूवमेंट है, भूतिया चीज बगल में बैठी है। एक देखो भूतिया चीज मैंने बगल में बैठा रखी है, पता नहीं क्यों ऐसे इसको ना एक ना घोरो एक बार लगता है कि ना ये देख ही रहा है खुद को। क्या कोई है जो अपने होने का एहसास मुझे करा सकता है? क्या आप हिल इसमें कोई भी जो इसके अंदर है क्या वो मूवमेंट करके दिखा सकता है? क्या कोई है, क्या कोई इसमें मूवमेंट करके दिखा सकता है? कोई है इसमें? ये मेरे पास ही आ रहा है और ये मेरे हाथ वास से नहीं आया, ये मैं हाथ इधर रख रहा हूँ। क्या ये दोबारा करके दिखा सकता है कोई जो इसके अंदर है? जो भी सेडी पेड़ के अंदर है, जो उसकी भी आत्मा है, क्या वो दोबारा से चल के दिखा सकती है? पास में आ गई, मैं इसको हटा देता हूँ एंड पता क्या करता हूँ, मैं एक बार लाइट लेके ना आपको पीछे दिखा देता हूँ, वरना लोग ना बोलेंगे कि अब तक पीछे से कोई हो। ये बैग पड़े हुए हैं और मैं इधर भी कर देता हूँ, ये बैग पड़े हुए हैं दोनों और इधर उधर उस साइड में देख रहे हो आप, कोई नहीं है। इसको लेके चलता हूँ मैं एक ना, बस मेरे को क्या करना है, थोड़ी सी बातें करूंगा मैं इससे एंड मेरे को इसमें जो भी चीज़ है ना उसका नाम पता करना है कि इसमें है कौन, उसका नाम पता करते हैं। फिर इसको जला के ख़त्म वतम कर दूंगा मैं, इसको फेंक दूंगा ऐसी जगह जहाँ से दोबारा ना पाए, इसमें जिसकी भी आत्मा है उससे निकल जाए, उस छोटी बच्ची को परेशान ना करे। तो
तो फिलहाल चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे इसको हम ख़त्म कर सकें जी. हाँ फिर अच्छा ये तो कंधे पे ये था ना इसलिए गिरा. आप ये नहीं बोल सकते हम कि ये मोमेंट थी. ये तो मोमेंट नहीं लग रही मुझे. हट भाई, अच्छा बैठ भाई, इतना भी प्यार नहीं मुझे भूतियों चीज़ों से. जलाने में फायदा, क्योंकि जलाने के बाद ही मुझे लगता है कि दोबारा ये नहीं दिखने वाला. वो जो भैया भाई थे वो लोग हैं, उन्होंने इसलिए जलाया कि अगर जलाने के बाद अंजाम क्या होगा, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं इसको जला दिया कि इसमें जो आत्मा है मेरी बेटी के ऊपर ना आ जाए या फिर मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुँचाए. हर बाप अपनी बेटी की फिक्र करता है. तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने लाइक ना मेरे को बुलाया एंड मेरे को ही दे दिया. फर्स्ट वो डर रहे थे कि ओम भाई अब कितने फीस लोगों क्या करोगे भाई, मैं कोई भी फीस वीस नहीं लेता हूँ, कोई भी कुछ नहीं करता हूँ, अगर आपकी किसी प्रकार से मैं हेल्प कर पा रहा हूँ किसी की भी तो वही मेरे लिए एक बहुत फीस है, मैं कोई फीस नहीं लेता. गाइस, अरे यार ये वही टेडी बेयर है जो मेरी कार में है. ओ यार शिट, ये वही है. मैं बस ज़ूम करता हूँ. ये वही है, वही है, वही है, वही वही है. और यार करके ना, अरे यार शिट यार, गाड़ी में भी यही है. ओए शिट, यहाँ से गायब हुआ. अरे यार गाड़ी में है. गाड़ी में है, वहां से गायब हुआ. एक मिनट यार, कोई औरत थी यहाँ पे. आवाज बंद हुई एंड कोई औरत ने मेरे को वहां पे लगी थी जब ये आवाज इसने क्या रही थी. फिलहाल बंद है आवाज एंड ये सामने दिखा था, जस्ट ये यहाँ पे दिखा. और ये थोड़ा बहुत पुराना सा है. जो भी आत्माएं होती है ना, अक्सर जो भी खाली चीज होती है उसमें प्रवेश कर जाती है, उसके अंदर चली जाती है. तो इसके अंदर किसी औरत की आत्मा है. किसकी है मैं कैसे कर. यार मैं इसको पीछे रखता हूँ. मैं इसको अपने पास भी रख रहा, मैं इसको पीछे रख रहा हूँ. एक डर सा लग रहा है यार, किसी औरत की आत्मा है इसके अंदर शायद. मुझे उसने की आवाज़ आ रही है, डर अजीब सी डरावनी सी. मैं चलता हूँ यार, मैं इसको ठिकाने लगा दूँ बस फटाफट. शिट यार, मेरे से गाड़ी के गियर तक नहीं लग रहे हैं, मैं इतना डर गया हूँ. तो गाइस ऐसे सुनसान रोड पे आ गया हूँ मैं. दूर दूर तक कुछ नहीं है. मैं इसको ऐसी जगह रखना चाहता हूँ, ऐसी जगह जाके इसको मैं जला दूंगा, फेंक दूंगा, ताकि जहाँ से ये वापस ना आ पाए. तो यहाँ के था तो टाइम ज़्यादा नहीं था, मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे था और रात को जैसे ही वो लोकेश भाई ने बताया था जैसे रात होती है इसमें ना, इसमें जो भी आत्मा है वो एक्टिव हो जाती है, वो अपने होने का एहसास करने स्टार्ट हो जाती है. तो जैसे कोई लड़की थी या फिर कोई कोई बच्ची है, कोई औरत है जो ना छोटी बच्ची से बातें करती थी. उसको यार मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा फंबल रहा हूँ, डर रहा हूँ, सुनसान जगह पे एक भूतिया टेडी बेयर के साथ हूँ. तो आप सोच सकते हो यार. Please like and subscribe Horror Inn channel.
कभी कभी आवाजें आ रही हैं, कभी कभी कुछ हो रहा है, एंड मैं इसको दूर काफी दूर ले जाने के फेंकने की सोच रहा हूँ। और रोड यार, रोड थोड़ा सा खराब है, अजीब सा रोड है। मैं गाड़ी से उतर गया, पता नहीं मेरे को लगा जैसे उसमें ओ यार ये इस तरफ आगे बैठ गया। ऐसे लगा था जैसे ना ये चल रहा है, एंड ये मेरे गले की तरफ कुछ इसने ना लाइक अटैक करने की कोशिश की हो। और इसका ये वाला था, देखो ये रेड रेड जैसे खून सा खून लगाओ। ओ भाई गाइस, जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया था एंड ये चीजें ना बहुत बार हो रही थी। मैंने इसको साइड में यहाँ पे रखा उस सीट से उठा के, क्योंकि ये मेरे बगल में बैठा है ना यार, या तो इसको मैं वापस लेके नहीं जा सकता क्योंकि किसी की बेटी की ना लाइक उसकी उनकी ज़िंदगी का सवाल है। उनकी मम्मी, जो बेटी की जो मम्मी है लाइक जो बहन है, वो रो रही थी ना, तो वो सबको देख के लाइक यार मैं रिस्क ले रहा हूँ, उसको लेके चल रहा हूँ। एंड जिस हाथ से इसने मेरे को यहाँ लगाया था ना, वो हाथ उसका डेड रेड सा हो गया, जैसे खून सा लगाओ। ये मेरे को समझ नहीं आया कि यार ये देखो यार, ये ऐसे हाथ हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से, ये लाइक ऐसे ना जैसे किसी को किसी इंसान का हाथ होता ना, वैसे जोर के इसने रिएक्ट किया था। तो वो मेरे को डर लग गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको आगे लेके जाऊँ या नहीं जाऊँ। और एक बात जो मैं आप लोग को, ये ना जब मैं इसको लेके चल रहा था कैमरा, एक तो कैमरा हम कभी कभी ऑन करते हैं, जब मैं इसको लेके चल रहा था ना कैमरा बंद था, तो ऐसे आवाज़ें आना है पीछे, टक 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 कर रहा था, वो हंसने की आवाज़ें कभी इधर कभी उधर, इसमें की मूवमेंट इसमें चली जा रही थी। तो फिलहाल क्या कर रहा हूँ, अरे यार मैंने चाबी मैं जब भी गाड़ी से उतरता हूँ मैं यार चाबी जरूर लेता हूँ गाड़ी की, क्योंकि ना गाड़ी लॉक हो जाती है मेरी इसमें, अगर मैंने गाड़ी चलते हुए छोड़ दी तो गाड़ी लॉक हो सकती है मेरी, इसलिए मैं जब हंसने की आवाज है, बट ये आवाज है बंद हुई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार, वापस दे भी नहीं सकता उनको। अब इसमें मोमेंट हुई यार, इसको पीछे पीछे रखता हूँ, जो होगा इसको पीछे फेंक रहा हूँ यार। और अभी मैं उसको यहाँ भी फेंक सकता हूँ, लेकिन ना यहाँ पे लाइक ना लोग आते हैं जाते हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं फेंक रहा हूँ। और फेंकना यार, मैं उसको जलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे उसको जलाऊंगा ना तो सच बता रहा हूँ उसकी आत्मा यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी, रोएगी और भटक यहाँ पे भटकना स्टार्ट कर देगी। तो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे उसको जलाया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि खतरनाक है, एंड ना उठ जाए एंड दोबारा से गले के ऊपर, लाइक कि जब भी कोई भी एनर्जी होती है, कोई भी भूत होता है ना, सबसे पहले अटैक करता है आपके गले पे। और सबसे निशानी ये होती है कि आपको ना घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है जब भी कोई भूत आप पे हावी होने की कोशिश करता है। तो ये रोड थोड़ा ख़राब है और पता नहीं क्यों मेरे को ना लग रहा है भी जैसे ना कि अब वोमिटिंग हो जाएगी, एंड थोड़ी सी ना स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी वो जा रही है, बट फिर भी अपने को कंट्रोल कर रहा हूँ। माला वाला मैंने पहन रखी है, बट देखते हैं अभी तो लेके चल रहे हैं शांत, अभी तो फिलहाल ये है कहाँ, अच्छा मैं खुद डर गया, नीचे की तरफ है, फिलहाल चल रहे हैं आगे की तरफ। गाइस एक कुत्ता भी आया, एंड वो देखो कुत्ता उस डैडी को देख के, ये वही है, फिर से वही है। ये देखो ये वही है जो गाड़ी में था, अरे यार ये वही है। एक बार मैं, अरे यार मैं पीछे देख पा रहा हूँ, ओह शिट गाइस पीछे नहीं है, ओह शिट यार आगे भी नहीं है, कुत्ता आ गया
गाड़ी में भी नहीं है, आगे भी नहीं है, अब क्या करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा यार कि लाइक वो गया किधर। मैं उसको लेके जा रहा था, मैं गाड़ी बंद करता यार, मैं उसको लेके जा रहा था शमशान घाट के पास, मतलब शमशान घाट के अंदर नहीं, शमशान घाट के पास, ताकि उसको जला के वही मुक्ति दूँ जहाँ पे, वैसे भी शमशान घाट के पास कोई जाता नहीं, वहाँ बहुत सारी आत्मा भटकती हैं, एक मुक्ति का द्वार भी होता है, तो मैं उसको वहाँ पे लेके जा के जलाने की सोच रहा था या फिर उनसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो गाड़ी भी नहीं है और सामने रोड से भी गायब है। तो अब क्या करूँ समझ नहीं आया। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ यार। यार भगवान उनकी बेटी की रक्षा करे, बस मेरे को उनकी बेटी की चिंता है कि उनकी बेटी को कुछ ना हो। मैं निकलता हूँ यार यहाँ से। तो यार बस ना यहाँ से फटाफट निकल जाऊँ बस, कैसे ना कैसे करके। और गाड़ी में अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ लाइट वाइट जला के, गाड़ी में कुछ नहीं दिख रहा है, और बस मुझे यहाँ से निकलना है यार। ये रोड पर मैं बहुत बार आया हूँ, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। गाइस वो देखो, जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और वो सामने देखो, अरे यार और जो मुझे ये बैठा हुआ है, जा रहा है बट ये जा किधर रहा है, कैसे जा रहा है, ओए गया ओए यार क्या करूं, ओ शिट यार, शमशान घाट है एंड वो वहां पे गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं थोड़ी गाड़ी और आगे करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ कि गया कहाँ, शिट कहीं दिख रहा, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो, कैमरा ब्लर हो रहा है यार। ठीक हुआ मैं गाड़ी बंद करता हूँ, ताकि शीशा ही मैंने डाउन कर रखा है ये वाला, गया गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया, मेरी हिम्मत नहीं है, गाड़ी से उतारता हूँ एक बार। मैं हर तरफ देख रहा हूँ, कोई दिख तो नहीं रहा, क्योंकि डर भी लग, कुछ बातें करने की आवाज़ें हैं। ओए ये देखो ये झाक रहा है, कोई जस्ट हटा। ओए गाइस मैंने कई कैमरा जूम कर रखा है, यहाँ पे झाक रहा था। गाइस हिम्मत नहीं है इसके अंदर जाने की, शमशान घाट है यार, झाक रहा था यार। ओए वोरा, ओए फिर से झाक रहा है, गई झाक रहा है, ओए गया। कई लोग बोलेंगे अंदर जाना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था, भैया अकेले हूँ यार और शमशान घाट है। अरे कैमरा ब्लर हुआ यार, मैंने कैमरा ब्लर हो रहा था, अब मैं फिर से जूम कर रहा हूँ, ज़्यादा जूम करने पर यार कैमरा ब्लर हो जाता है। वो देखो वरा, ओए इधर आओ, वो देखो हाथ हिला रहा है, वो आवाज़ें आ रही है किसी औरत की, इधर आओ। वो यार वो देखो कैसे बुला रहा है। कैसे मेरी अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फिलहाल, तो मेरे को घबराहट सी होने लगी और ना अचानक से सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ ना कोई हावी होने की कोशिश कर रही है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ।